लिए स्वैग से स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास में हम लोग जी किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ऑलमोस्ट हैं जो पांडास के एंड में पहुंच चुके हैं। और यहां पर हम लोग बिल्कुल जानने वाले हैं जी किस्सा और कहानी किसके बारे में, ज्वाइन के बारे में, कि ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अब ज्वाइन अगर देखिए किसी भी शब्द को जब आपने जानना है ना कि भाई ये क्या है, मतलब कोई भी चीज़ आप ले लीजिए है ना, तो मेरा ये मानना है कि जब आप उस शब्द को उसके नाम से शुरू करते हैं ना तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं। तो वैसे ही आप देखिए ज्वाइनिंग है यहाँ पर, तो ज्वाइन का मतलब है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ों से मतलब क्या है, अगर हम पैंडास कर रहे हैं, पैंडास में डेटा फ्रेम कर रहे हैं, तो वो दो चीज़ें क्या होंगी, आपका डेटा फ्रेम हो गया, तो यानी कि दो डेटा फ्रेम को आपस में ज्वाइन करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, सही पकड़े हैं। तो चलिए इसकी किताबी भाषा पढ़ते हैं। कहता है कि वी कैन यूज द पांडास डॉट डेटा फ्रेम डॉट अपेंड फंक्शन, मतलब ये जो कारनामा हम करने वाले हैं ज्वाइनिंग वाला, इसके लिए हम एक मेथड, एक फंक्शन जिसको अप्लाई करने वाले हैं, जिसको यूज करने वाले हैं, जिसका नाम है अपेंड। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारी सहायता करेगा ज्वाइन कराने के लिए। आगे की कहानी पढ़ते हैं। मेथड टू मर्ज टू डेटा फ्रेम, तो जैसा इसके नाम में छुपा था कि भाई कुछ ज्वाइन होगा, तो इसने कहा कि दो डेटा फ्रेम को आपस में मर्ज कराने के लिए हम अपेंड फंक्शन का सहारा ले रहे होंगे। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर अपेंड है एंड इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो आगे की चीज पढ़ते हैं। कहता है कि इट अपेंड रोज ऑफ द सेकेंड डेटा फ्रेम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डेटा फ्रेम। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये आपका एक डेटा फ्रेम है, सुपर कूल मैम, और ये आपका दूसरा डेटा फ्रेम है, बस ये पहले डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम को ऐसे करके जोड़ देगा। अभी आउटपुट देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नीचे एक तरीके से नीचे जोड़ेगा। कहता है कि कॉलम्स नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट डेटा फ्रेम आर एडेड एज न्यू कॉलम। ये भी नहीं समझ में आया तो भी सुपर कूल है, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ बता देने वाली हूँ। ओके, तो ये हमारे पास में हमारा एक डेटा फ्रेम है, खैर हम इसमें चेंजेस करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको मतलब ये एक मेरा डेटा फ्रेम है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा डेटा फ्रेम और बनाएंगे या इसी में कुछ चेंजेस करेंगे, बट एक बार जो हम करना चाहते हैं चीज़ उसका एक बार प्री फेस हम थोड़ा सा यहाँ पर बना लें। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं कि मेरा ये S1 डेटा फ्रेम है और इसको S2 डेटा फ्रेम बना लेते हैं। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ ये लाइन को दो बार किया है, मतलब सेम डेटा के साथ में हमने दो डेटा फ्रेम बना दिए हैं। अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि S1 डॉट अपेंड किसके साथ हो जाए, S2 के साथ में। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करेंगे ना तो आप एक चीज़ यहाँ पर पाओगे जिसे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप आखिरकार करने क्या आए हो या करने क्या लगे हो। ऊपर से देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी तक आपके पास में डेटा था, अब इसने क्या किया, नीचे की साइड ही आपका दूसरा डेटा फ्रेम जोड़ दिया। समझ में आई चीज़, द वन डेटा फ्रेम अनदर डेटा फ्रेम आई से करके जुड़ गया। ठीक है, सुपर कूल। अब हम इसमें डेटा थोड़ा सा कम लेते हैं और इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं ताकि हमें अपेंड का जो मतलब है, मीनिंग है, वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमने ना ऐसे करके दो डेटा फ्रेम बना लिए हैं। अब हम इसके अंदर लिखते हैं, सेकंड डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट डेटा फ्रेम, राइट। और अब यहाँ पर हम अपने S1 को प्रिंट कराते हैं एंड यहाँ पर हम अपने S2 को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ है कि हमारे पास में ऐसा कुछ डेटा आ रहा है, ऊपर ए भी है, आधा डेटा मतलब उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, आधा इसमें कर दिया। ओके मैम, ठीक है, तो ऐसे करके हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डेटा को मर्ज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, फर्स्ट डेटा फ्रेम प्लस सेकंड डेटा फ्रेम। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, प्रिंट और S1 डॉट अपेंड क्या किया, S2।
अब अगर आप इसका आउटपुट देख पा रहे होंगे, बस मैंने कुछ नहीं लिखा, एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन s1.append s2, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्या चीज़ हो रही है, आपके पास में किस प्रकार से आपका डेटा आ रहा है। देखिए, पहली चीज़, पहले वाला जो हमारे पास में डेटाबेस डेटा फ्रेम था ना, उसके अंदर था नेम, क्लास, मार्क्स, सिटी और ए और बी नाम से, मतलब ये हमारा डेटा फ्रेम था पहला। फिर आपका दूसरा डेटा फ्रेम था ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। अब आप देखोगे इसमें ए बी है, इसका ये वाला आ गया, इसमें भी इसके वाला आ गया। अब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते थे, इनके अंदर पहले वाले डेटा फ्रेम के अंदर मैं इसके अंदर कर सकता हूँ वाई और जेड, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो मतलब इसके जो कॉलम के रो के नाम है जो, वो डुप्लीकेट आपको अलग से दिखेंगे, है ना। तो वाई और जेड, है ना। तो पिछली बार ए भी आ रहा था, है ना। तो अभी देखो आपका इस तरीके से, मतलब पहले डेटा फ्रेम के साथ दूसरा डेटा फ्रेम जुड़ गया है। तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को कैच करते जाओ, ठीक है। ये वाली बात हुई। अब इसमें आता है एक जो हमारा मेथड है, साथ साथ मैं आपको मेथड भी बता देती हूँ कि देखिए, जैसे हम यहाँ पर हमने जो है वही किया ए और बी, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ डिस्प्ले करा रहे थे तो हमारे पास में ऐसा कुछ डिस्प्ले हो रहा था, कैसा, ए बी ए बी, है ना। तो अब मैं आपको इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें और इंट्रोड्यूस साथ में ही करा देती हूँ, नहीं तो फिर ये चीज़ समझोगे फिर दोबारा से समझोगे, है ना। तो अब अपने ऐसा करते हैं कि इसमें सबसे पहले ये वेरीफाई इंटीग्रिटी करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई इंटीग्रिटी यहाँ पर इसलिए यूज़ में होता है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस वेरीफाई इंटीग्रिटी को ट्रू कर देती हूँ। मतलब कहने का सीधा सा कि इसको आप यूज़ इसलिए कर रहे हो कि आप इसमें रन टाइम एरर जनरेट करा दोगे क्या, कि भाई जो है आप डुप्लीकेट नहीं दे सकते। मतलब देखो देखो देखो, अभी चलाने से पहले एक बार इसको देखते हैं कि मैंने इसमें इंडेक्सेस क्या दिए हैं, ए और बी, इसके अंदर भी क्या दिए हैं, ए और बी, है ना, ठीक है। तो हमारे क्या है, ये डुप्लीकेट हो रहे हैं। और अब मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करती हूँ तो ये मुझे एक वैल्यू एरर दे देगा, ठीक है। तो ये कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, आपने क्या किया है, मतलब आप मतलब डुप्लीकेट नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमने एक रन टाइम एरर यहाँ पर जनरेट करा दी, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, तो इसको हम अब नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, या फिर यहीं पर भी आप फॉल्स कर सकते थे। तो इस प्रकार से इसने ये चीज़ की है, राइट। अब हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें और करते हैं या चेंजेस और करते हैं, कि जैसे मैं क्या करती हूँ, डेटा फ्रेम टू है ना, उसके अंदर से ये वाला डेटा उड़ा देते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ क्लास और यही रहने देते हैं, क्लास और नेम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको रन करके कि अब क्या चीज़ हो रही होगी। तो देखिए क्या चीज़ हुई है, पहली चीज़ आपके पास में ये आपका पहला डेटा फ्रेम था, ठीक है, जिसमें आपने क्या लिखा था, नेम, क्लास, मार्क्स, ये सारी चीज़ें थी। अब इसको एक बार, ठीक है, तो ये मेरा एक पहला डेटा फ्रेम था, ठीक है, ओके ओके कूल। देन हमारा नेक्स्ट जो डेटा फ्रेम है, जिसमें मैंने अभी कुछ चेंजेस किए, मतलब मैंने दो इसमें से एट्रीब्यूट उड़ा दिए बेसिकली, ठीक है। अब हम इससे को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं अगले वाले के साथ में, मतलब दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि क्या चीज़ हुई इसके अंदर, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। देखिए ये डेटा फ्रेम वन है, ये डेटा फ्रेम टू है, ठीक है। इसमें नेम और क्लास है, इसमें नेम और क्लास है, मार्क्स और सिटी एक्स्ट्रा है। तो नेम, क्लास, मार्क्स और सिटी आ गया, ठीक है। ये पहले वाला मेरा डेटा फ्रेम आ गया, क्योंकि आप अभी तक क्या कर रहे हो, आप d1.append d2 कर रहे हो ना। तो मतलब d1 में आप जोड़ रहे हो इसको, आप d2 भी यहाँ लिख सकते थे, तब d2 ऊपर आता फिर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पर डेटा है, अब इसके अंदर तो ये डेटा नहीं है ना मार्क्स और सिटी का, तो ये क्या है, डेटा मिसिंग। तो आपको पता है मिसिंग डेटा विल रिप्रेजेंट बाय नैन, ठीक है। तो ये डेटा आपका मिसिंग है, तो बस नैन के थ्रू आ गया यहाँ पर, राइट। अब आपको ये लाइन का मतलब समझ में आया जो यहाँ पर थी, इट अप, ये वाली लाइन, इफ कॉलम्स नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट डेटा फ्रेम आर एडेड एज न्यू कॉलम, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास में ये इसके अंदर मान लीजिए नहीं थे ऐड, है ना, मतलब इसके अंदर तुम्हारे पास में मार्क्स और सिटी नहीं था, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर इसके अंदर मान लीजिए कोई नहीं होता, जैसे मैं उसमें नाम उड़ाती हूँ, जैसे पहले वाले में अपने नाम को हटा देते हैं, उसमें सिर्फ एक ही रखते हैं, इस नाम वाले को हम रिमूव कर देते हैं, एक सेकेंड,
ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं पहले वाले के अंदर। तो इसमें अब नाम की जगह नैन आ जाएगा, ठीक है। तो हम A1 मतलब पहला डेटा फ्रेम और नीचे दूसरा रख रहे हैं ना, तो अब आप देखोगे कि इसके अंदर क्या होगा। हमारे पास में देखिए क्लास मार्क्स सिटी, और ये लास्ट में देखिए आपके एड ऑन हो चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट में हो गए, तो इसमें क्या है, नैन आ गया आपके पास में, और नीचे इनके अंदर मार्क्स थे नाम, तो इसमें हो गए। तो जो डेटा नहीं होगा वहाँ नैन आ जाएगा, जो डेटा नहीं होगा तो वो नैन नैन री नैन से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सीधी सी ये वाली बात है इसके अंदर, राइट। अब हम इस लाइन की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी, इट अपेंड रोज ऑफ द सेकेंड डेटा फ्रेम, दूसरे वाला जो डेटा फ्रेम है उसको ये कहाँ ऐड करेगा, जो पहले वाला डेटा फ्रेम है उसके नीचे, है ना। तो अब आप ऐसा भी कर सकते थे, A2 को भी ऊपर कर सकते हो बेसिकली, S2 डेटा फ्रेम को भी। तो मैंने S2 किया और बोले तो S1 किया, है ना। तो ये भी सुपर डुपर कूल है, राइट। तो हमारे पास में देखिए ऊपर ये वाला डेटा फ्रेम आ गया और नीचे दूसरे वाला डेटा फ्रेम चला गया, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इनके जो रो के नाम हैं वो अलग अलग कर देते हैं। ये खैर हमने कर भी लिया था अभी, है ना। तो इसको वाई किया था और इसको शायद जेड किया था, है ना। तो हमने ऐसी चीज़ें कर ली, ठीक है। तो अभी हमारे मतलब क्योंकि हम पहले वाले में दूसरे वाला जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई थी, ये वाली बीच वाली चीज़ कि इसका क्या यूज़ था बेसिकली। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, इसके थ्रू हम एक एरर जनरेट करा रहे थे कि हम डुप्लीकेट नहीं चाह रहे हैं वैल्यूज़ को, है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो अब जब आप ट्रू करोगे तो एक आपको रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगा। अब आप इग्नोर इंडेक्स करेंगे, तो इग्नोर इंडेक्स से बेसिकली क्या चीज़ हो रही है। अब इग्नोर इंडेक्स प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अपने क्या करते हैं, यहीं पर चलते हैं एंड इग्नोर इंडेक्स नाम के एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं। देखिए मैं कहती हूँ ना कि हर एक चीज़ को आप उसके जो है मतलब उसके नाम से उसको समझा करो, है ना। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स है, तो मैंने इसकी वैल्यू इंटेंशनली ट्रू दे दी है। अभी आप देख लीजिए आपका डेटा फ्रेम ये वाला आ रहा है, ओके। तो जब आप इसको करोगे तो इसने क्या किया, इनके जो एक्चुअल इंडेक्सेस थे ABCD उनको हटा करके उन इंडेक्सेस को इग्नोर कर दिया, और अपनी तरफ से इसने 0, 1, 2, 3 जो उनके एक्चुअल इंडेक्सेस हैं वो इनको वो मतलब प्रोवाइड करा दिए, वो दे दिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इग्नोर इंडेक्स ट्रू कर रहे होंगे तो इनके जो एक्चुअल इंडेक्सेस है वो इग्नोर हो जाएंगे, मतलब लेबल्ड इंडेक्सेस सॉरी इग्नोर हो जाएंगे, और एक्चुअल इंडेक्सेस आपके इस प्रकार से आ जाएंगे। ये तो आपने देख लिया, ओके। अब हम दूसरी चीज़ करते हैं इसके अंदर। अब ये कहता है कि सॉर्ट इज इक्वल्स टू ट्रू। सॉर्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें तो सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ओके दैट्स कूल। अब हम इसको करके देख लेते हैं, सॉर्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ये हमारा डेटा फ्रेम है, एंड अब अगर हम देख कर रहे होंगे तो देखिए इसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में देखिए कॉलम्स को इस तरीके से सॉर्ट करके दे दिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। दैट इज़ सुपर डुपर कूल, ओके। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स करूँगी तो नेम फिर पहले आ जाएगा, है ना, नेम पहले आ गया। ये वाली चीज़ हमारे साथ में हुई, तो इसने क्या किया, सॉर्ट करके दे दिया आपको। आपको बेसिकली चीज़ समझ में आई कि क्या चीज़ हो रही है। बस कुछ नहीं, आपका एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, एक सेकंड, देखिए आपका एक डेटा फ्रेम है, इसका नाम D1 है। आप क्या कर रहे हो, उसको डी, ये D2 है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो कि D1 फिर उसके नीचे D2 आ जाए, ठीक है। तो दो चीज़ों को आप आपस में क्या कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो बेसिकली, राइट। तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज़ है जो करेंगे। तो हमने कहा D1.append और उसमें D2 आकर के जुड़ जाए। तो ये अगर मेरा D1 है तो बस ये देखिए पूरा का पूरा डेटा फ्रेम ऊपर आ रहा है ना, फिर ये दूसरे वाला जस्ट उसके नीचे चिपक गया, और जहाँ जहाँ अब इसमें मार्क्स और सिटी नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या होगा, मिसिंग डेटा के साथ में रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो ये चीज़ थी किसके साथ, हमारे अपेंड के साथ में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको जो है इसके अपनी तरफ से इसको करने की कोशिश करना, देन आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।